हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार ने देश के किसानों के हित के विधेयक पारित किए हैं और उनको आम जन तक पहुंचाने के जनाब प्रमुख जी और सभी मेरे प्रेस से जुड़े के सभी फ्रंट पर ये विफल साबित हुई है। यदि मैं कहूँ कि व्यक्ति की आवश्यकता क्या होती है, किसानों से संवाद कर रहे हैं आप, मीडिया से मुखातिब हुए, लेकिन किसान से धरातल पर कोई संवाद करने का ऐसा कोई वैसे तो जनता ही है। केवल मुख्यमंत्री आवास में बंद रह करके अपनी सरकार चला रहे हैं। अरे बाकी भी तो लोग हैं, हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज 6 महीने से सारे CMO तक में भी नहीं गए, यानी इस प्रकार एक अपने आवास से सरकार चलाना और इसमें तो कीर्तिमान स्थापित करना शोभा देता है क्या? अंतःकलह से जूझती हुई सरकार, यानी आज 2 ग्रुप से बटी हुई सरकार, न अधिकारी किसी का मान रहे हैं। सचिन पायलट इनके जब से अलग हुआ है अधिकारियों ने इनका कहना मानना भी छोड़ दिया है। सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं, सरकार कहीं दिख नहीं रही है। और तो और आज एक स्टेटमेंट में एक बात आप गहराई से आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने घोषणा की है कि हमारे 500 वादों में से हमने 250 वादे पूरे किए, यानी खुद ही अपनी कॉपी जांच रहे हैं। यानी विद्यार्थी परीक्षा देगा, कॉपियां तो जनता जांचेगी, लेकिन ये खुद ही वहाँ पे कॉपी जांच रहे हैं। लेकिन खुद भी जांचने के बाद अपने को 50% अंक खुद ने दिए। जो राजनीतिक दल इन तीनों विधेयकों की आलोचना कर रहे हैं उनका दोगलापन आपके सामने आए, क्योंकि UPA की जब सरकार थी उसके साथ इस समय SP, BSP, DMK, RJD और NCP जो दल समर्थन कर रहे हैं ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। और देश में कहीं भी आंदोलन हो एकदम से ये कूद पड़ते हैं कि उनका एक ही लक्ष्य है कि अराजकता फैले। और कांग्रेस का तो बड़ा जो इसमें समर्थन दे रही है उसके 2019 का घोषणा पत्र उसकी पेज नंबर 17 के बिंदु नंबर 11 और एक पेज नंबर 18 उसमें स्पष्ट इन विधेयकों से जुड़े हुए मुद्दों का उन्होंने समर्थन किया है। डीएमके के 2016 के घोषणा पत्र में कृषि सुधार बिल का उन्होंने साथ दिया है और किसानों के लिए खुला बाजार हो इसका उन्होंने समर्थन किया है। आपने जो दिल्ली की सरकार है उन्हें 23 नवंबर को इसकी लागू कर दिया है। अकाली दल जो आज उनके मंत्री हट गए उन्होंने 12 दिसंबर 2019 को APMC के बारे में कहा कि APMC भ्रष्टाचार और दलालों की का बोलबाला है। और 3 जून 2020 को जब अध्यादेश जारी हुआ इनकी मंत्री जो कौर केंद्रीय मंत्रिमंडल में थी इसका समर्थन किया, इस अध्यादेश का हिस्सा थी। इस प्रकार सारे TMC लेफ्ट पार्टी इन्होंने समय समय पर ये कृषि के सुधारों की बात की है। ये कहते हैं आप दूसरों से बात क्यों कर रहे हो, हर किसान संगठन से केंद्र सरकार बात करेगी, उससे बौखलाहट हो गई है, उससे ये आंदोलन चल रहा है। इन्होंने कहा कि हम रोज़गार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता तो मिला नहीं। रोज़गार की दृष्टि से 35,000 पदों को इस सरकार ने समाप्त किया है और अभी भी जो 2 साल के अंदर पदों पे इन्होंने नियुक्ति दी है वह सारे के सारे पद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समक्ष विज्ञापित और उनके द्वारा की गई परीक्षाएं उसके बाद आए हुए परिणामों के आधार पर दी जा रही है। किसी कानून के अंतर्गत कोर्ट के कारण रुकी उन्हीं को केवल इन्होंने नियुक्ति दी है, एक भी नए व्यक्ति को नियुक्ति आज तक नहीं दी है। अध्यापकों के बारे में जब कह रहे हैं रीट की परीक्षा की बात चली है, आप रीट की परीक्षा की भी अभी तक आप कर रहे हो, लेकिन 2016
और 2018 के अंदर जो विज्ञापित पद थे जिनकी नियुक्ति दी उनको आज तक ये नियुक्ति नहीं दे पाए हैं। तो इस प्रकार की युवाओं के हिसाब से फेल, महिलाओं के हिसाब से फेल। एक सड़क नहीं बनी, नहीं कहीं एक विकास का काम स्टार्ट हुआ, नहीं उल्टा हमारी सरकार के समय के ठेकेदार के बिल भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। PWD में 1800 करोड़ के ठेकेदारों के बिल अभी भी बाकी हैं के आधार पर भी सरकार पूरी तरह विफल है। मेरा इस पर कहना है बिजली का राजस्थान में देश भर के सर्वाधिक प्रति यूनिट बिल है। ऐसा क्यों भाई? बाकी जगह भी कंपनियां हैं तो हमारी सरकार के द्वारा दी गई रियायत को भी इन्होंने विड्रॉ किया है। इस प्रकार के बिजली के बिल करंट सारी जनता को मार रहे हैं, जिसका पंचायत चुनाव में इनको सबक मिल गया। और दूसरा महंगाई में वेट, आज सर्वाधिक पेट्रोल और डीजल राजस्थान में महंगा है। यहाँ के गुजरात, यहाँ से हरियाणा, यहाँ से पंजाब, यहाँ से उत्तर प्रदेश, सभी में पेट्रोल और डीजल के 9 रुपये से लेके 12 रुपये तक के रेट अधिक है। मैंने हरियाणा में खुद अभी दिल्ली गया था, मैंने भरवाया 9-9.5 रुपये प्रति यूनिट कम है। कल गुजरात में आबू रोड से अंबाजी के दर्शन करने के लिए गया तो वहाँ जो है लगभग पेट्रोल 12 रुपये और डीजल 9 रुपये कम। तो ये वेट क्यों नहीं कम करते? तो महंगाई की जिम्मेदार अशोक गहलोत सरकार है।